अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 29 और 30 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स। आज के फर्स्ट न्यूज़ है एक एक्सरसाइज, सूर्य किरण 17। तो ये क्या है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, हर साल होती है, इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। मतलब एक साल इंडिया में होनी है, एक साल नेपाल में होनी है, इस तरह से चलता रहता है ना। इस साल यानी 2023 में पिथौरगढ़ उत्तराखंड में ये हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह की एक्सरसाइज है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवल है, किस तरह की है, प्लस कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में होती है, इस साल कहाँ पे हुई वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड न्यूज़ अगर हम देखें, एक अवार्ड है, बेस्ट एम्प्लॉय इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड, किसे दिया गया है? REC लिमिटेड को दिया गया है, जो कि पावर मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। REC हियर स्टैंड्स फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा इतना पता होना चाहिए ये अवार्ड REC लिमिटेड को दिया गया, फुल फॉर्म, इसके अलावा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है, अच्छा दिया किसके द्वारा जाता है? SOCHM। SOCHM क्या है? एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो याद रखना है, बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड REC लिमिटेड को दिया गया है। थर्ड न्यूज़ अगर हम देखें, न्यूजीलैंड के न्यू PM बने हैं। कौन बने हैं? क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो कौन से कॉन्टिनेंट में है, क्या कैपिटल है, किसी भी कंट्री का जिक्र होता है हम हमेशा देखते हैं, तो अब देखिए कॉन्टिनेंट आप बताएंगे, कैपिटल यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ, वेलिंगटन है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का हम काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं, तो आपको मैप पे एक बार ज़रूर पता होना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, आसपास का आइलैंड नेशन है, आसपास कौन कौन से आइलैंड नेशन है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ न्यूज़ हम देखें, बुकर प्राइज़ 2023 पॉल लिंक ने ये जीता है, आयरिश राइटर है, इनके जो नॉवल है प्रॉफिट सॉन्ग उसके लिए ये जो प्राइज़ है 1969 से दिया जाना स्टार्ट हुआ है, इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1969 में। लिटरेरी प्राइज है, मतलब साहित्य से संबंधित ये प्राइज है, हर साल दिया जाता है बेस्ट नोवेल के लिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है और जिसकी जो पब्लिश की गई है UK एंड आयरलैंड में। अच्छा UK क्या है, लंदन क्या है, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, बहुत कन्फ्यूजन है ना इन सब में। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन जानना है, मैंने अपने YouTube चैनल में स्टैटिक GK की प्लेलिस्ट पे ना एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ज़रूर देखें। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, UK, ब्रिटेन, लंदन, ये सब क्या है ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें, मिशन दक्ष रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? बिहार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, पहले उनको आइडेंटिफाई करना है कहाँ कहाँ पे वो पीछे रह रहे हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सब जो है मिशन दक्ष के अंडर कवर किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट, और इसी के साथ जिससे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम नवंबर की PDF चाहिए, नवंबर मंथ करंट अफेयर्स की, तो देखिए दिक्कत ये थी कि अभी तक वीडियोस नहीं अपलोड हुई थी, है ना, कुछ कुछ रहता है कि लास्ट में कई बार कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो एड ऑन हो जाते हैं, तो अब आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा और सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का सिक्स्थ पॉइंट है अग्नि इनिशिएटिव। देखिए ये इनिशिएटिव आया है ताकि जो आयुर्वेदा में फर्दर स्टडी कर रहे हैं या फिर आयुर्वेदा में कुछ काम कर रहे हैं, फर्दर कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं तो उसे प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव आया है। क्वेश्चन आ सकता है कि अग्नि इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदा से रिलेटेड है, आयुर्वेदा में जो इनोवेशन हो रही है उससे रिलेटेड है। अग्नि हेयर स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा ज्ञान नय पुण्य इनिशिएटिव, ठीक है, आयुर्वेदा ज्ञान नय पुण्य इनिशिएटिव याद रखना है। सेवन्थ पॉइंट अगर देखें, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ताकि दुनिया के अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थीम क्या रहा इस दिन का, थीम रहा टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। एट्थ न्यूज़ हम देखें तो यहाँ पे एक स्कीम है, ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में लॉन्च की गई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्कीम का नाम है हॉट कुक्ड मील स्कीम, आंगनवाड़ी सेंटर्स में लॉन्च की गई है UP गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे क्या है, अच्छा भरपूर खाना या न्यूट्रिशियस फूड जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हो, ऐसा खाना बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाएगा 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ीज में।
ठीक है, यहाँ पे कुछ रिवीजन बिट्स हैं, फटाफट से हम रिवाइज करेंगे। ज्यादा लेंथी वीडियो मुझे वैसे भी नहीं रखनी क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे पहला ऐसी स्टेट जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड बच्चों के लिए बनाने स्टार्ट किए हैं यूपी है। ऐसा स्टेट जिसने रिसेंटली ऑर्डर्स इशू किए हैं कि राइट टू वॉक सेफली ऑन द रोड्स, कि सड़कों पर चलने का भाई हमें अधिकार है, ऐसे इशू किए ऑर्डर्स, तो वो है पंजाब। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है यूके गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है जी, नाइन्थ पॉइंट की ओर हम चल पड़े अब, बट इससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि आप चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है जनरल साइंस को छोड़ के। ठीक है जी, चलिए नाइन्थ पॉइंट हमारा आता है कि पटना हाई कोर्ट के जज कौन बने हैं। जस्टिस विवेक चौधरी, पटना, इसको आप बिहार हाई कोर्ट बोल ले, है ना। हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। एक कंट्री हमारी जैसे इंडिया है तो नेशनल लेवल पे आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। नाउ पटना हाई कोर्ट के जज बने हैं जस्टिस विवेक चौधरी। अब कुछ हम अपॉइंटमेंट्स देखें। सो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री, श्रीलंका के पास आई है प्रेसिडेंटशिप। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 फॉर्मेशन, मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, भार्गव दास गुप्ता बने हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। आज थोड़ी सी आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा लग सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बट मैं वीडियो की लेंथ कोशिश करूंगी ना ही इंक्रीज हो, इसलिए फटाफट से पढ़ा रही हूँ। आप भी बस मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल का लिंक शेयर करें, और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का टेंथ पॉइंट है खादी कारीगर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ, वाराणसी में टीएफसी सेंटर में। अब देखिए, इसके अलावा थीम या कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नहीं मिली। आपको अगर लगता है कोई पॉइंट मैंने कम पढ़ाया, आप थोड़ी सी उसमें जो है एडिटिंग कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए खादी कारीगर सम्मेलन 2023 का वाराणसी में हुआ है। इलेवेंथ पॉइंट देखिए, हेमफेस्ट 2023 कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। दो दिनों की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका एम है टू यूनाइट एमेचर रेडियो एंथुसियास्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, जो रेडियो एंथुसियास्ट होते हैं उनकी मीटिंग है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या फाइनेंस में कोई होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती है, तो वैसे ही रेडियो एंथुसियास्ट जो है मतलब इस फील्ड में जो काम करते हैं उनकी मीटिंग है, तो हेमफेस्ट। अच्छा, इसको ना हॉर्नबिल से मत कंफ्यूज कर लेना, हॉर्नबिल अलग है जो नागालैंड में होता है, क्योंकि मैंने पढ़ाना है अभी, वो मैंने कहा ना आपको कि मैं करंट अफेयर्स साथ साथ में लिख रही थी, वीडियोस का इशू रह रहा था, अब थोड़े तबीयत ठीक है तो मैं फटाफट से वीडियोस बना रही हूँ। तो अभी ना एक दो दिन के बाद हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, एक या दो या तीन दिसंबर के करंट अफेयर्स में, कि हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ, नागालैंड में ही होता है हर साल, है ना। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने हेमफेस्ट के साथ, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022। अच्छा, 2022 के लिए ये जो अवार्ड्स हैं दिए गए हैं स्टील मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। क्यों दिए गए हैं, जो भी मेटलर्जिस्ट है जिन्होंने आयरन एंड स्टील सेक्टर में जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है या जो भी एक्सीलेंस मतलब कुछ अच्छा काम किया है, इन शॉर्ट, है ना, क्यों अवार्ड मिलता है। आप जब कुछ अच्छा काम करते हो, क्लास में फर्स्ट आते हैं, अवार्ड मिलता है, क्यों, क्योंकि भाई आपने तो कुछ अचीव किया है, आपने ज्यादा ज्यादा पढ़ा है ना, तो वैसे करके समझ लो क्यों दिया जाता है हर एक फील्ड में। नोबेल प्राइज क्यों दिए जाते हैं, कुछ नई डिस्कवरी की आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मेडिसिन में, इसलिए। तो वैसे ही नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड है कि इस फील्ड में आपने अच्छा कुछ काम किया है। अब इसमें भी ना कैटेगरीज हैं, तो हम तीन मेन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि मेटलर्जिस्ट होता कौन है। सबसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसके अंडर डॉक्टर कमाची मुदाली उठांडी को दिया गया है। एक एक शब्द आपने पकड़ना है, उसका ध्यान रख लेना है, अगर आएगा एग्जाम में तो वहीं से टिक मार्क करना है, इतना लंबा थोड़ी आप याद करेंगे, है ना। क्या पता आपके, क्योंकि एग्जाम्स हम बहुत सारे भर रखते हैं, अच्छा जैन वाले में आ जाए, फेब वाले में आ जाए या अगस्त वाले में आ जाए, तो अब एक डेढ़ साल तो चलेंगे ये करंट अफेयर्स, है ना। चलिए, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को दिया गया है। यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड डॉक्टर निलॉय कुंडू को दिया गया है। अब मेटलर्जिस्ट का मतलब होता है ऐसे एक्सपर्ट लोग जो स्पेशलाइज्ड होते हैं ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। आपको ये चीज पता है, हम मेटल्स हम पढ़ते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाया मैंने। तो ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये अपने नेचुरल फॉर्म या एग्जैक्ट जैसे जो इनका नाम होता है वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे नेचर में, ये किसी चीज़ के साथ मिक्स्ड होते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, एग्जैक्ट फॉर्म में लाना पड़ता है, किसी चीज़ से अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो
समझ रहे हैं आप हम क्या बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो नेचर में जो चीज़ें जो नेचुरली अकर करती है वैसे ही मेटल्स अकर नहीं करते हैं। जो मेटल्स होते हैं किसी चीज़ के साथ मिक्स्ड होते हैं, जैसे सी वाटर है आपका, है ना, तो पानी है वो पीने के लिए, लेकिन क्या आप पी के प्यास बुझा सकते हैं? नहीं, खा रहा होता है ना वो, उसमें नमक मिक्स होता है, तो वैसे ही अब उसको अलग अलग करेंगे तभी हम यूज़ कर पाएंगे, है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 13th पॉइंट अगर हम देखें, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सेटअप किया जाएगा दमोह मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये बनाया नहीं जाएगा, यहाँ पे ना एक नोटिफिकेशन जारी की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें दो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको एक साथ ऐड किया जाएगा, एक ही बना दिया जाएगा, तो एरिया इंक्रीज हो गया और बन गया इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। क्या है? नोरा देही सेंचुरी एंड दुर्गावती सेंचुरी, इनको मिला के। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये जो पेज था ये भी हो गया कंप्लीट। देखिए, आपको ना कई बार शिकायत रहती है कि मैम आपके वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो ऐसा क्यों है? ऐसा तो इसलिए है कि आपने नोटिफिकेशन जो आइकन होता है, नोटिफिकेशन बेल बनी होती है, उसे प्रेस नहीं किया है। तो पहली चीज़ आप उसे प्रेस करें। सेकेंडली, टेलीग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जैसे कोई वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका लिंक साथ में शेयर कर देती हूँ अपने टेलीग्राम अकाउंट पे, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन आ रही तो टेलीग्राम पे तो आपको पता चली जाएगा। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी नोटिफिकेशंस दिन में हार्डली एक या दो वीडियो मैं अपलोड कर पाती हूँ, तो वहां पे आप जरूर देखें जाके, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 14th पॉइंट है गाइड ऑन जेंडर इंक्लूसिव कम्युनिकेशन। ये ना एक कॉन्फ्रेंस टाइप है, ठीक है। कहाँ पे हुई है? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई? हमारे जो मिनिस्ट्री है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, स्मृति ईरानी, एक्ट्रेस थी, पॉलिटिशियन है, इनके पास ही मिनिस्ट्री है, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसने क्या है, जेंडर इक्वालिटी एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट, उस सब पे बात की गई है, ठीक है। फटाफट से कवर करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स अभी बचते हैं। 15th पॉइंट है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के हिसाब से इंडिया का GDP फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कितना रहेगा? 6.4% रहेगा। ये आपको ना लिखने अलग अलग जगह पे। अच्छा, IMF ने कितना कह दिया, ADB ने कितना कह दिया, RBI ने कितना कह दिया, S&P ने कितना कह दिया, तो आपको एक ब्लॉक सा बनाना है अपनी। मैं कहती हूँ ना हमेशा, करंट अफेयर्स की जब भी नोटबुक स्टार्ट करो, शुरू के 2-3 पेज, लास्ट के 2-3 पेज तो बिल्कुल छोड़ ही दो, क्योंकि नई नई चीजें ना उसमें इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखेंगे, ताकि पेपर वाले दिन पूरी कॉपी उठा के रिवाइज नहीं कर सकते। तो शुरू के 3 पेज, लास्ट के 3 पेज पढ़ लिए, हो गया, ठीक है। बाकी अपना रिविजन साथ साथ करते रहे। नाउ S&P 6.4, इंडिया का GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो कि आ रहा है, ठीक है। 16th पॉइंट अगर हम देखें तो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर कहां पे होगा? कटक उड़ीसा में होगा। बाली यात्रा इसका नाम है, महानदी जो नदी है, महानदी है ना, इसके तट पे। चलिए, 17th पॉइंट अगर हम देखें तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हम जानते हैं कि दुनिया के 7 अजूबे, तो अब ऑफिशियल फॉर्म में दुनिया का 8वां अजूबा बना है अंगकोर वॉट, कंबोडिया में है, टेंपल है, अब ये बना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल है फॉर बीइंग द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम इस बुक में भी, इस रिकॉर्ड में भी शामिल है। और थोड़ा सा बात करें तो किंग सूर्यवर्मन 2 के द्वारा 12th सेंचुरी में ये बनाया गया था। जिस टाइम पे ये बना था, ये हिंदू गॉड जो हमारे हैं विष्णु भगवान जी, उनसे रिलेटेड था, लेकिन टाइम के साथ चेंज होता गया। अब ये बिल्कुल एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड मठ या टेंपल बोल लो, ठीक है, वो है। तो पता होना चाहिए आपको, बुद्धिस्ट टेंपल है, लेकिन पहले जो हिंदू धर्म के भगवान थे विष्णु, उनको डेडिकेटेड था, ठीक है। किंग सूर्यवर्मन 2 ने 12th सेंचुरी में बनाया है, कंबोडिया में है, कंबोडिया एशिया में लोकेटेड एक कंट्री है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अभी देखिए, करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुए। मैंने आपको कहा ना कि आज का वीडियो पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, वीडियो की लेंथ मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगी, ज्यादा ना रहे। आप बस वीडियो को लाइक करते चलिए, कोई भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए, इसी के साथ अब चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 18th पॉइंट है PRSI नेशनल अवार्ड। ये अवार्ड सुगंधी सुंदर राज को दिया गया है। इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया हेल्थ केयर कम्युनिकेशन में, उसके लिए दिया गया है। हेयर PRSI स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस फेस्टिवल हुआ है न्यू दिल्ली में, जहां पे ये अवार्ड सुगंधी जी को दिया गया। 19th पॉइंट अगर हम देखें, विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित है बट विकसित लिखा है, तो मैं उस तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ।
ये जो भारत संकल्प यात्रा है ऑर्गेनाइज की गई हमारे देश के अलग अलग कोनों में, एम रहा टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मेजर वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से वेलफेयर प्रोग्राम्स, कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन सी पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, इससे रिलेटेड लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये यात्रा स्टार्ट की गई है। 20th पॉइंट हम देखें तो HDFC बैंक के न्यू एडिशनल डायरेक्टर बने हैं। कौन बने हैं? हरीश कुमार भनवाला बने हैं। HDFC बैंक की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसकी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, फॉर्मेशन 1994 में हुई और CEO है शशिधर जगदीशन। एंड एडिशनल डायरेक्टर कौन है? हरीश कुमार भनवाला। याद रखने ये अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, मबेला क्या है? मीजल्स एंड रूबेला एक नई वैक्सीन बन के आई है। मीजल्स एंड रूबेला इनकी ये वैक्सीन है, ये IIL के द्वारा लॉन्च की गई है। हेयर IIL स्टैंड्स फॉर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, ठीक है। ये वैक्सीन मेकर है जो बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने वाली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है जी। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।